नमः शिवाय। तो भाई क्या हाल चाल आप लोगों के? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भैया आज एक टीज़र आ गया है जिसका नाम है राम सेतु, और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था इस मूवी का। काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे कि एक मूवी आ रही है राम सेतु नाम की, और ये कुछ चीज़ें बदल कर रख देगी। और अक्षय कुमार की मूवी है तो लोगों को अब उम्मीदें भी बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि पिछली कुछ मूवीज़ ऐसी हैं अक्षय कुमार की जो बिल्कुल फ्लॉप जा रही हैं, अच्छी नहीं चल पा रही हैं। तो ये एक तरह से उनका स्टारडम होगा, स्टारडम को सेट करने का दूसरा यही मूवी है जो कुछ कर सकती है। अगर ये मूवी भी कुछ नहीं कर पाई, मुझे लगता है कि इनका आने वाली जो मूवीज़ हैं, जो इनका अप एंड डाउन है, वो सिर्फ डाउन में ही होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि यही मूवी ऐसी होगी जो कि इनके लिए माइल स्टोन साबित होने के लिए तैयार है, जो कि माइल स्टोन साबित हो सकती है। तो बहरहाल अभी इन बातों को साइड में रखते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो इसका टीज़र आया है उसका हम रिएक्शन कर लेते हैं, फिर छोटा सा रिव्यू भी दूंगा। तो रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। राम सेतु को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। ओरे राम सेतु। अभिषेक शर्मा जी ने लिखी है मूवी। अरे भाई साहब तो यार ये था टीजर, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 मिनट का टीजर आया था। इसके अंदर कुछ चीज़ें क्लियर हुई। अब क्या क्या चीज़ क्लियर हुई? सबसे पहली चीज़ तो क्लियर ये हुई कि ये राम सेतु के ऊपर है। अब राम सेतु जो हमारा तमिलनाडु है, जहाँ रामेश्वरम द्वीप है, वहाँ से लेकर श्रीलंका का जो मन्नार द्वीप है वहाँ तक ये बना हुआ है, लगभग 50 किलोमीटर लंबा है। तो ये उसके ऊपर ही कहानी दिखाई जा रही है। ये हमारी माइथोलॉजी है, ये हमारा इतिहास है कि जिस समय पर जब हमारे श्री राम भगवान जी ने सीता माता को छुड़ाने के लिए, रावण से छुड़ाने के लिए वहाँ से राम लंका तक जाना था, वो चाहते तो चले जाते क्योंकि हनुमान जी थे, पर लेकिन उनकी पूरी वानर सेना थी, उन्हें भी लेकर जाना था। तो उनके लिए उन्हें रास्ता चाहिए था, जिस समय पर वहाँ पर जो समुद्र है वो रास्ता नहीं दे रहा था, तो उस समय पर वो पुल बनाया गया था नल नील के द्वारा। अब उसी पर ये बेस्ड कहानी है। कहानी में क्या है, कहानी में सबसे बड़ा चीज़ दिखाई जाएगी ना, वो आर्कियोलॉजी दिखाई जाएगी। वैज्ञानिक गए और वहाँ पर जो खोजबीन की उसके बारे में तथ्य दिए अपने। लेकिन ऐसा हुआ कब? तो ये 2007 के आसपास की बात है, जिस समय पर 2005 में दोबारा से कांग्रेस की सत्ता वापस आ गई थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए थे। कुछ समय बाद उन्होंने फिर वहाँ पर केस कर दिया कि यहाँ पर तो कुछ भी ना राम भगवान थे ना कुछ थे। तो उन्होंने इस तरह से कुछ पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर केस बैठा दिया, और फिर वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ। बीजेपी ने वहाँ पर अपने और भी सबूत पेश किए कि वहाँ पर तो राम सेतु था, आप कैसी बात कर रहे हैं। पर लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ तूल पकड़ती गई और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती गई। फिर लास्ट टाइम में एक मौका आया जिस समय पर आर्कियोलॉजी, मतलब वहाँ पर वैज्ञानिक भेजे गए जो वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि भाई ये जो चीज़ है कितनी पुरानी है, रियल है, क्या है। तो उस समय की एक कुछ कहानी दिखाई जा रही है। अभी कितनी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, कितनी सही और सटीक रहेगी, वो तो जब मूवी आएगी तभी पता चलेगा। बहरहाल इसके अंदर जो है चीज़ें जो कुछ दिखाई गई हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर जो चीज़ मुझे लगता है कि ये अच्छी रह सकती है, वो ये कि इसके अंदर रोबोट प्लस मनुष्य दिखाया गया, मतलब रोबोट प्लस मैन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाया गया। अब मेन मुद्दा वही बैठेगा कि ये दोनों के दोनों साथ में काम करेंगे, दोनों के दोनों भिड़ने वाले हैं, वो देखने में इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा, जो BGM है काफ़ी शानदार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी अगर बात करें हम दूसरी, जो कि जैकलिन फर्नांडिस हैं, एज ए हीरोइन कंसिडर की गई हैं, ये कितनी सही हैं कितनी गलत हैं, तो देखो यार मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ में ठीक है, कुछ चीज़ में गलत है। अगर मैं सही की बात करूं तो श्रीलंका की रहने वाली हैं, और ये जो मूवी है जिसके अंदर श्रीलंका काफ़ी अच्छा टच दिया जाएगा, तो उस समय का दिखाया जा रहा है कि भाई श्रीलंका के अंदर किस प्रकार की बोली वगैरह होगा, तो ये कुछ एक टच दे पाएंगी और लोगों को लगेगा कि हाँ हम वहीं पर जी रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा है एक्टिंग इन्हें नहीं आती बिल्कुल भी, एक्टिंग में कुछ ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। एक्टिंग वाइज साइड रखते हैं, पर लेकिन अगर हम स्टोरी वाइज देखें तो स्टोरी वाइज परफेक्ट हैं। बाकी बात करें अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार तो भाई साहब खिलाड़ी हैं और वो हर रोल में फिट हैं, लेकिन कुछ रोल में वो फेल हो जाते हैं, जैसे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान में वो फेल हो गए थे। बस अब यही है कि यही देखना होगा कि इस मूवी के अंदर वो कितना परफेक्ट काम कर पाते हैं, और ये इनके लिए माइल स्टोन भी साबित होने वाली है अगर ये हिट चली जाती है तो। और हिट कब जाएगी? हिट तब जाएगी जब जो कि सनातन धर्म है और दूसरे जो कि यहाँ की ऑडियंस है,
मूवी देखेंगे और उन्हें पसंद आएगी तब। बाकी एक इनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, क्योंकि 25 अक्टूबर हम ला रहे हैं तो उस समय थैंक गॉड मूवी आ रही है, जिसे लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से जाएंगे देखने के लिए, जो कि बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं है, लेकिन राम सेतु एंटरटेनमेंट के लिए भी जाएंगे और अपना इतिहास देखने के लिए भी जाएंगे, तो इसके लिए ऑडियंस बहुत बड़ी है। तो ये मूवी हिट होने के कागार पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हिट तभी होगी जब अच्छे अच्छे इसके अंदर रियल रियल सीन्स डाले गए होंगे। बाकी बस मुझे भी इंतजार है, आप लोगों को भी इंतजार है, बाकी तो देखेंगे इसके अंदर और क्या नया मिलने वाला है। और मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार शानदार रिव्यूज, शानदार शानदार रिएक्शन चीज़ें सारी की सारी लाता रहता हूँ फंडू मसाला पर। फिर मिलेंगे चलते चलते, जय।